हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन लेक्चर। सो गाइज, टुडेज अवर टॉपिक इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। सो बेसिकली अर्लियर वी स्टडी अबाउट द फ्लूड एज अ रेस्ट, तो तब कोई भी मोशन नहीं होगा, तब फ्लूड एज इट इज रहने वाला है। बट जब कभी भी कोई भी फ्लूड एकदम स्लो स्पीड से किसी पाइप में से अगर फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग स्टेडी फ्लो बता पाएंगे। इस फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ कि जो भी हमारा फ्लूड है वो ऐसे ऊपर नीचे फ्लो हो रहा है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर उसकी कोई और वेलोसिटी होगी, उसी पार्टिकल जब वो आगे जाएगा तब यहाँ पर कुछ और वेलोसिटी मिलेगी, वही पार्टिकल आगे जाके फिर कुछ और वेलोसिटी होगी। तो जो स्टेडी फ्लू है, स्टेडी फ्लो है, तो आगे जाके कहीं पर भी उस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, क्योंकि वो हरदम कांस्टेंट रहने वाला नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं एक पाइप ड्रॉ करूँ जो कि बीच जो मिडल पोर्शन है वहाँ पर उसकी जो एरिया है वो थोड़ी ज़्यादा है और दोनों एंड्स पे एरिया यहाँ पर कम है, तो हमें फ्लो कैसे मिलेगा? यहाँ से फ्लो आगे जाएगा, फिर वापस ऐसे मुड़ जाएगा, फिर वापस आगे जाएगा, फिर यहाँ से आगे जाके फिर यहाँ से मुड़ जाएगा। सो इफ दिस इज माई पी प्लेन, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर प्लेन। सो दिस इज हाउ द फ्लो विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। तो जो भी पानी है वो इस पॉइंट पे अगर आएगा तो उसकी स्पीड वीपी होगी, बट यहाँ पर तो एरिया चेंज हुआ तो उसकी स्पीड थोड़ी चेंज हो जाएगी एंड इट विल गेट वी क्यू स्पीड, एंड यहाँ पर वी आर जितनी स्पीड हमें मिलने वाली है, राइट। तो एरिया के हिसाब से जो भी मॉलिक्यूल्स जो भी आगे फ्लो हो रहा है वो अपने एरिया के हिसाब से स्पीड चेंज करेगा, राइट। बट अगर यहाँ पर एरिया की बात की जाए तो तीनों का एरिया अलग है, जैसे कि यहाँ पर AP, यहाँ पर AQ एंड यहाँ पर AR, क्रॉस सेक्शन एरियाज आर डिफरेंट हियर। बट ऑलवेज रिमेम्बर माय फ्रेंड्स कि जब कभी भी यहाँ से जो भी पानी जो भी लिक्विड फ्लो हो रहा है उन सभी का मास सेम होगा। सो यहाँ पर MP इज इक्वल टू MQ इज इक्वल टू MR ऐसा हम लोग क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जितना मास यहाँ से निकलेगा उतना ही मास यहाँ पे पहुँचने वाला है, उतना ही मास यहाँ पर भी पहुँचेगा, राइट। तो मासेज आर ऑलवेज सेम। सो हियर डेंसिटी फॉर्मूला वी नो दैट मास अपॉन वॉल्यूम, मास सब्जेक्ट, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। सो डेंसिटी इज ऑल ओवर द कॉन्स्टेंट नाउ, सो रो एज इट इज, बट वॉल्यूम्स आर डिफरेंट। सो हियर आई हैव टू पुट दिस फॉर्मूला इन साइड, रो VP is equal to rho VQ is equal to rho VR here। अब यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, तो कितना लिक्विड इस एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया से जा रहा है, कितना लिक्विड यहाँ से जा रहा है और कितना लिक्विड यहाँ से जा रहा है। तो अगर उसकी बात करें तो rho एरिया into यहाँ पर AP लिखना पड़ेगा एरिया, और यहाँ पर स्पीड ऑफ वाटर, तो APVP इज नथिंग बट वॉल्यूम। एंड हियर आई हैव टू ऑल्सो राइट कि इतना डिस्टेंस P में से टोटल टाइम टेकन ट्रैवल दैट इज T, तो ये पूरी टर्म आएगी, फिर रो AQ VQ इंटू T, सिमिलर रो AR VR t, सो दिस टर्म गेट्स कैंसल्ड आउट, राइट। सो T ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड आउट, so now we are left with AP VP is equal to AQ VQ is equal to AR VR, that means this AV is constant, अब चाहे कोई भी एरिया ले लो ये कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है, राइट। अब क्वेश्चन है कि ये क्यों कॉन्स्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर एरिया कम था, यहाँ से पानी आगे बढ़ा, यहाँ पर एरिया ज़्यादा हुआ, तो अगर एरिया इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर कॉन्स्टेंट मिलेगा। सपोज के लिक्विड यहाँ पर पहुँचा
अब क्या हो रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो अगर एरिया डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग। इसका बेसिक सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा यहाँ पर, अगर आप जो पाइप से अगर पानी निकल रहा है राइट, तो अगर आप वाटरिंग कर रहे हो प्लांट्स को और पाइप से पानी निकल रहा है, तो आप पाइप के आगे अगर आप अपना अंगूठा रखेंगे सो दी वाटर स्पीड विल बी इंक्रीजिंग, अंगूठा हटाएंगे तो वापस से वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अंगूठा रख के आप क्या कर रहे हो, उसकी जो एरिया है वो डिक्रीज कर रहे हो, एंड इफ एरिया इज डिक्रीजिंग देन वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग, उसकी स्पीड आपो आप इंक्रीज हो जाती है राइट। फिर अंगूठा निकाल देते हो, फिर से आपने क्या किया, एरिया इंक्रीज किया, वेलोसिटी विल बी डिक्रीज राइट। सो दिस इज दी प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ दिस कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो इस टाइप के फ्लो को, मतलब कि यहां पर अगर इस पॉइंट पे हमारा पानी निकल रहा है तो उसकी फिक्स वैल्यू होगी वीपी, चाहे कहीं पर से भी पानी आ जाए, फिर आगे जाके उसी पानी की वेलोसिटी वी क्यू होने वाली है, और आगे जाके उसी पानी की वेलोसिटी वी आर होने वाली है। तो यहाँ पर पॉइंट के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसको, इस टाइप के फ्लो को हम लोग बोलने वाले हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो राइट। तो भले ही वेलोसिटी अलग अलग होगी हर एक पॉइंट पे, बट उस पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। देन दूसरा जो टाइप है दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो कैसा होगा, तो उसमें फ्लो की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, और फ्लो की स्पीड जब ज्यादा होती है तब वहां पर रैंडमनेस ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि स्ट्रीम लाइन फ्लो की अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ तो उसकी जो लाइंस होगी दे आर पैरेलल विद ईच अदर राइट। पाइप में से अगर पानी निकल रहा है और स्लो है तो एकदम एकदम स्ट्रेट लाइंस मिलने वाली है राइट। बट अगर फ्लो सबसे ज्यादा स्पीड से है तो हमें पानी फिर ऐसे घूम के निकलने वाला है राइट। तो तब हमें स्ट्रेट लाइन में पानी का फ्लो नहीं मिलने वाला, स्पीड में पानी जब जाएगा तब टर्बुलेंट फ्लो बोलने वाला है। सो दैट्स अवर टॉपिक स्ट्रीम लाइन फ्लो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माई वीडियो लेक्चर टिल दी एंड, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई